14 सूत्री मांग को लेकर के शिक्षक संघ बिहार के द्वारा लहरिया सराय धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया। शिक्षकों के ज्वलंत समस्याओं के समाधान सहित 14 सूत्री मांग को लेकर के शिक्षक संघ बिहार के द्वारा एक दिवसीय धरना लहरिया सराय में दिया गया। वहीं शिक्षक नेता सौरभ सिंह ने कहा कि शिक्षकों की जो ज्वलंत समस्याओं वर्षों से लंबित है, जिसके कारण शिक्षक मानसिक व आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान है। शिक्षक संघ बिहार के द्वारा एक दिवसीय धरना के माध्यम से 14 सूत्री मांग जो है जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपे हैं जिला पदाधिकारी के माध्यम से, जिनमें 14 सूत्री मांग है। उनके आह्वान पर आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया। सरकार की जो नीति है, सरकार शिक्षक के मूल मांगों से उसका ध्यान हटाने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे को अपनाती आ रही है, जिसका हाल फिलहाल में जो मामला है, 2020 में एक नियमावली बनी थी, जिस नियमावली का अनुपालन करने की बात हम लोग कह रहे थे, लेकिन आज उस नियमावली को छोड़ के अलग से एक जो है प्रधानाध्यापक सेवा सत्र नियमावली बनाई गई है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि जब हमारी नियमावली 2020 में प्रोन्नति का मामला है तो फिर अलग से क्यों नियमावली। हम ही लोगों को 2020 में जो प्रोन्नति है उसको आप प्रोन्नति का लाभ दीजिए, उसको हेडमास्टर बनाइए। और जो वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा से इतर इन्होंने जो है काम करने का काम किया है, जिसके कारण आज हम लोग जो है आंदोलित हैं। हमारी 5 सूत्री मांग है, जिसमें 1 अप्रैल 2021 से वेतन मद में अधिसूचना 15% की जो वृद्धि दी गई थी उसको आज तक लागू नहीं किया गया। हम लोगों की मांग है, आज धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारी वो मांगे पूरी करें। और जैसा कि आपको पता है कि 2020 में दरभंगा जिला में सामुदायिक किचन चलाया गया था, जिसमें जो है सो सरकारी दर तय होने के बाद और शिक्षक के बिल देने के बाद उसमें 15% की जो है कटौती की गई है, जिसके विरोध में आज जो है शिक्षक आग बबूले हैं और शिक्षक का जो है पैसा जो है तो काट लिया गया है। हम आज इस धरना के माध्यम से जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं वो पाई पाई का भुगतान उनको करना होगा। सौरभ कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, दरभंगा। धारणा का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार 2020 में जो नियमावली बनी थी बिल्कुल उसके विरुद्ध विपरीत जा करके एक नया सेवा शर्त बना रही है, जो शिक्षकों के मांग और उसके हक के बिल्कुल विरुद्ध खिलाफ है। और उसके लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में इसके लिए पूरे बिहार में सभी जिलों में प्रखंड से लेकर के राज्य स्तर तक हम लोग बहुत बड़ी आंदोलन चलाएंगे, जो स्पष्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये 15% की बढ़ोतरी है वो इसमें भी देने में सरकार अभी तक आनाकानी के, जबकि सरकार ही ये तय की थी कि जुलाई से 15% इंक्रीमेंट की 1 अप्रैल से सुविधा दी जाएगी और ये अगस्त महीना बीतने को जा रहा है, इस पर सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने चाहिए। इसके विरुद्ध भी हम लोग आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों का जो बढ़ा हुआ डीए था राज्य सरकार तो लागू कर दी है, लेकिन अभी तक इसके लिए अधिसूचना जारी नहीं हुआ। जल्द से जल्द हम राज्य सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि अधिसूचना जारी करें और शिक्षकों को 28% डीए का लाभ दे। साथ ही साथ जुलाई और अगस्त माह का वेतन जो पूरे बिहार के सभी जिलों के शिक्षकों को अप्राप्त है वहां से जल्द से जल्द आवंटन भेजे ताकि सभी शिक्षकों को वेतन ससमय भुगतान हो सके। आज कि 2020 में जो नियमावली आपके द्वारा तैयार करके प्रकाशित किया गया था कि प्रधानाध्यापकों का जो प्रमोशन होगा उस पर हम नियोजित शिक्षक से ही करेंगे और 15% की वृद्धि 1 अप्रैल 2021 से लागू करेंगे, वो 15% की वृद्धि भी नहीं दी गई है। और इसके बावजूद जो है शिक्षकों का ध्यान दूसरे ओर भटकाने के लिए एक आदेश जारी किया है कि हम प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक का पद जो हम सीधी बहाली से भरेंगे, यह न्याय उचित नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आप 2020 में नियमावली लागू किए थे उसको जो है लागू कीजिए और हम आपका जो है अंग है, आपके साथ है, नहीं तो हम आपके विरोध में खड़े हैं और रहेंगे। जिला महा रामबाबू पासवान, जिला महासचिव शिक्षक संघ बिहार, दरभंगा।